टॉपिक शो दिखाने जा रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। आज मेरा बर्थडे है, हुर्रे। क्या मैंने सही सुना है कि आज किसी का बर्थडे है? हाँ मिस्टर क्रोकोडाइल, आज मेरा बर्थडे है। तो क्या मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ सकता हूँ? हाँ हाँ, पर आपको लगता नहीं आना चाहिए। पर मैं तुम्हारे बहुत सारे गिफ्ट लाऊंगा। ठीक है, आप आ जाइएगा। शिमर, तुम यहाँ कब से हो? थोड़ी देर से। एक्चुअली मुझे मिस्टर क्रोकोडाइल से डर लग रहा था। तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मेरे अच्छे फ्रेंड है और मेरे बर्थडे पार्टी में भी आएंगे। बर्थडे पार्टी? क्या आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ। डेकोरेशन तो हो गई? हाँ। ओ मिस्टर क्रोकोडाइल, आप भी आ गए, वेलकम वेलकम। हाँ डेकोरेशन अच्छी है। हेलो शिवर। हेलो मिस्टर क्रोकोडाइल, मैंने तुम्हें अपने रिवर के पास में देखा था। तो फ्रेंड्स, अब क्यों ना हम थोड़ी केक कटिंग करते हैं? हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हू, मजा आ गया। तो सब लोग केक खा लो। हाँ हाँ। बल्दी बल्दी इधर आना। अभी आई मिस्टर क्रोकोडाइल। बजी बजी जरा इधर आना। अभी आती हूँ मिस्टर क्रोकोडाइल। बचाओ। यम यम, पेट मेरा भर गया और मेरी पार्टी भी हो गई। चलो चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बजी ने स्ट्रेंजर यानी कि मिस्टर क्रोकोडाइल पे ट्रस्ट कर लिया और क्रोकोडाइल ने बोला उन्हें कि वो बहुत सारे गिफ्ट लाएंगे और उन्होंने वो लाए भी। और फिर बाद में क्या हुआ? उन्होंने तो बजी को खा लिया और फिर उन्होंने अपना पेट भर लिया। तो फ्रेंड, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स की बात सुननी चाहिए। थैंक यू।